का स्वागत है आपके साथ में प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की अहम खबरों की ओर। ऐसे अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला हो गया है। दरअसल दिल्ली की स्पेशल सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को शुक्रवार को यानी कि आज 4 साल की सजा सुनाई और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि अदालत ने कोर्ट रूम से ही ओम प्रकाश चौटाला को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। इस तरह चौटाला कोर्ट से सीधे जेल जाएंगे। चौटाला की तरफ से इस मामले में अपील फाइल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा गया था। हालांकि इस पर जज ने कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए। बता दें कि गुरुवार को यानी कि कल सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के दोषी करार दिए गए। वहीं ओपी चौटाला और सीबीआई के वकीलों की गुरुवार यानी कि कल सजा पर बहस सुनी गई थी। हालांकि ओपी चौटाला ने बहस के दौरान बुढ़ापे और चिकित्सा आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था।